दुनिया के बड़े बड़े देश बातें बड़ी बड़ी करते हैं, वो शांति की बात करते हैं, अपने महान होने की बातें करते हैं, लेकिन सच जानिए तो उन देशों का दिल बेहद छोटा है और नीयत तो उससे भी ज्यादा खराब नजर आती है। ऐसे कई बड़े देश हैं जिन्होंने यूएन के शांति मिशन में अपना बकाया तक नहीं चुकाया है। यूएन की शांति मिशनों में बढ़ चढ़कर भाग लेने वाले भारत ने सदस्य देशों द्वारा बकाया भुगतान नहीं करने पर चिंता जाहिर की है। भारत ने इस मामले में अपनी राय खुलकर रखी है। भारत ने कहा कि शांति मिशनों के फंड का इस्तेमाल अन्य प्रायोजन के लिए करना विश्वास को ठेस पहुंचाने जैसा है। भारत उन देशों में से है जिसने संयुक्त राष्ट्र को अपने हिस्से के 38 मिलियन अमेरिकी डॉलर लगभग 272 करोड़ रुपए का समय से पहले ही भुगतान कर दिया। खास बात यह है कि मार्च 2019 तक किसी भी देश द्वारा शांति मिशन के लिए दी गई ये सबसे बड़ी रकम है। इस पूरे मामले में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि सैयद अकबरुद्दीन के हवाले से कई जानकारियां सामने आई हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि सैयद अकबरुद्दीन ने विशेष समिति में शांति अभियान के मुद्दे पर भारत की प्राथमिकता पर भी नजर डाला। उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र शांति सेना की वित्तीय स्थिति, विशेष रूप से सैनिकों को भुगतान में विलंब जैसे मुद्दे चिंता का कारण बने हुए हैं। पिछले साल कुछ उपाय किए गए थे लेकिन इसका अस्थायी असर ही हुआ। भुगतान में देरी की प्रवृत्ति एक बार फिर वापस आ रही है। उन्होंने बंद हो चुके शांति अभियानों का भुगतान नहीं करने पर भी चिंता व्यक्त की है। भारत के प्रतिनिधि का इस पूरे मामले में कहना है कि भुगतान नहीं करने के मामले को दरकिनार नहीं किया जा सकता, इसका प्रभाव अच्छा नहीं होगा क्योंकि इससे भरोसे को चोट पहुंचती है और साथ ही साथ ये खराब नीति की ओर भी इशारा करता है। इससे पहले की बात करें तो भारत पहले भी इस तरह के मामलों में आगे रहा है। साल 2019 में भारत संयुक्त राष्ट्र के उन 34 सदस्य देशों में शामिल रहा जिसने अपना नियमित बजट का वक्त पर भुगतान कर दिया। भारत ने इस साल 31 जनवरी तक के नियमित बजट आकलन में 23.25 मिलियन डॉलर यानी 165 करोड़ रुपए का भुगतान कर दिया था, लेकिन उस वक्त भी 64 देश जिसमें अमेरिका से लेकर सऊदी अरब, ईरान, इसराइल तक शामिल थे, उन्होंने भुगतान वक्त पर नहीं किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।